हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वापस हम लोग आ चुके हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर में। लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने एक घर खरीदा था जिसमें हमारे साथ थोड़ा सा स्कैम हुआ था कि पीछे के जो दीवार है उस वाले रूम में हम लोग नहीं जा सकते, बट आप लोगों ने बताया था कि एक ग्लिच होता है जो कि ट्रेडर लाइफ सिमुलेटर में भी था कि हम लोग अगर किसी विंडो के पास में गाड़ी लगाते तो हम लोग घर के अंदर जा सकते, बट उसमें कुछ है नहीं तो जाके फायदा नहीं है। फिलहाल कल मैं इस वाले गद्दे में सोया, मेरे को ना नींद ढंग से आई नहीं क्योंकि अभी तक मैं लोहे वाले गद्दे में सो रहा था कंटेनर में। अब यहाँ पे ना मेमोरी फॉर्म वाला गद्दा था तो मुझे ना ऐसा लग रहा था कि रात में मैं हवा में झूल रहा हूँ, और हवा में झूल रहा था तो मुझे डर था कि कहीं यार मैं कोई लैंड ना हो जाए कहीं पर, तो डर के चक्कर में नींद ढंग से आ नहीं पाई। फिलहाल आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग एक बहुत ही मुश्किल काम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, मुश्किल टास्क है बहुत ही, जो है कि हम लोग निसान GTR बाय करने की कोशिश करेंगे या ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा रेयर है। अभी तक वो गाड़ी हमको दिखी ही नहीं है और ये वाली गाड़ी बहुत रेयर है ये वाली भी, बट ये हमारे पास आ चुकी है और मेरे को पता नहीं था तभी इतनी रेयर है। थैंक गॉड मैंने इसको बेचा नहीं क्योंकि आप लोगों ने मेरे को बहुत कमेंट करे थे कि इसको मत बेचना बहुत रेयर है। उसके बाद से मैंने अभी तक जब से मैं गेम खेलना स्टार्ट किया मैंने सिर्फ 3 या 4 या फिर 4-5 ऑक्शंस मिस किए होंगे और उसके अलावा सारे ऑक्शंस मैंने अटेम्प्ट किए लेकिन किसी में मेरे को ये वाली गाड़ी दोबारा नहीं मिली जिसका नाम है माजडा RX-7। तो ठीक है, यहाँ पे ये क्या चल रहा है, देखो एक के बाद एक गाड़ी लोगों ने ठोक दी, रात में पी के चला रहे होंगे ऐसी होगा। यहाँ पर मेरे को एक गाड़ी दिख रही है BMW Z3A, तो बहुत ज़्यादा डैमेज है इसको, हम लोग बाई कर सकते हैं क्या? 12,000 की गाड़ी है तो हम लोग थोड़ा बहुत ना XP कलेक्ट कर सकते हैं या फिर सस्ती गाड़ी नहीं खरीदते, चलो छोड़ो। वैसे भी मैंने थोड़ा बहुत ना सस्ती गाड़ियाँ खरीदी है ताकि मेरी जो XP है थोड़ी सी बढ़ जाए। और मैं देखो हमारे पास एक स्किल पॉइंट है लेकिन एक स्किल पॉइंट से भी कुछ नहीं होने वाला, हमको 2 स्किल पॉइंट चाहिए ताकि मैं वॉशिंग वाला जो हमारे पास मशीन है ना जो जेट है वो हम लोग बाय कर सके। अब यार ये लोग कब इसको फिक्स करेंगे पता नहीं, इस गेम में इतने बग्स है ना सही में दिमाग खराब हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ। वैसे हमारा आज का फोकस गाड़ी खरीदना नहीं है, आज का फोकस है हमारा ऑक्शंस को अटेम्प्ट करना। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा ना, मुझे थोड़े बहुत बीच में स्किप करने होंगे डेज, मतलब मेरे को सो जाना होगा जल्दी ताकि हम लोग ऑक्शन में जा पाएं। ठीक है, वही हम लोग करेंगे। फिलहाल यहाँ पर गाड़ी अपनी पार्क करते हैं, अच्छे से इंजन बंद करते हैं, बाहर निकलते हैं और गाड़ियाँ देख के आते हैं। थोड़ा सा ऑडी R8 दिख रही मेरे को एक, कितने की होगी, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है इसकी, तो देखते हैं कि 2022 मॉडल है, 81,000 किलोमीटर चली हुई है, ऑटोमेटिक है तो थोड़ा महंगा हम लोग इसको बेच सकते हैं, बहुत सस्ती मिल रही क्योंकि डैमेज बहुत ज़्यादा है, तो इसका हम लोग देखते हैं अभी। फिलहाल पहले और गाड़ियाँ देख लेते हैं। ये देखो इसकी हालत बहुत ख़राब है, जब मेरे को चाहिए थी उसके बाद से ये गाड़ी मेरे को इतनी ज़्यादा मिल रही है ना। और देखो किसी ने मेरे को कमेंट किया था कि हाँ ये किस वजह से होता है ये, लेकिन सिर्फ पता इसी वाली गाड़ी में है तो ये फिक्स नहीं किया, जो 3D मॉडलिंग वाला कुछ इश्यू बताया था किसी ने तो वो मेरे को समझ में आया था, बहुत लंबा चौड़ा कमेंट था। 1,72,000 की आई थिंक ये बिक रही थी मेरे को, 1,72,000, ओके तो 1,72,000, 1,35,000 जीरो सही से काउंट कर रहे हैं वरना जीरो का चक्कर ना हो जाए कहीं गड़बड़। ओके 1,35,000 नहीं 1,37,000 मिलेगी भी यार, ये लोग नाराज़ हो रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी। 39,000, मैं बहुत कम बोल रहा हूँ क्या? ओके मिल गई है, 1,39,000 में हमको एक गाड़ी मिल चुकी है, इसको टो करा लेते हैं क्योंकि डैमेज है वो गाड़ी। अब देखो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आप एक्सपर्टीज हायर करो, तो इससे क्या होगा कि हमको ना रेट थोड़े कम हो सकते हैं, बट यार देखो 50,000 उसकी फीस है, 50,000 खर्च करने पर अगर हमको 20-30,000 कम भी करा देगा तो यार कुछ खास मेरे को प्रॉफिट लगता नहीं। अब पता नहीं मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ। फिलहाल अभी हम लोग ना यहाँ से चल रहे हैं, एक ही गाड़ी बाई करी मैंने और कुछ खास गाड़ी पसंद आई भी नहीं मेरे को। हाँ हम लोगों ने वो वाली ऑडी भी बेच दी थी जिसके बाद हमारे पास अभी $30,00,000 हो रखे थे, बट अभी हम लोग सो जाते हैं क्योंकि कल मुझे लगता है कि ऑक्शन ओपन होगा, क्योंकि हमारा जो मेन काम है वो है ऑक्शन से, उसके बीच में हम लोग गाड़ियां सेल करते रहेंगे बाय करते रहेंगे ताकि हम लोग 5 मिलियन तक या 4 मिलियन तक जो भी, अभी 3 मिलियन तो ऑलरेडी है तो ट्राई करेंगे 5 मिलियन तक पहुंच जाए। आज 12 बजे से ऑक्शन है। फिलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं अपनी दुकान पे यानी अपनी डीलरशिप पे और वहां पे जाके कुछ चीजें ट्राई करते हैं। मेरे पास गाड़ी है भी, मेरे पास सिर्फ एक गाड़ी है आज। ओ यार मेरे को ना नेबरहुड जाना चाहिए क्या, फिर यहाँ से कुछ गाड़ी मेरे को बाय करनी चाहिए। चलो ट्राई करते हैं एक बार यहाँ पे जाके, क्योंकि गाड़ियां तो चाहिए ना दिन भर अपना टाइम पास करने के लिए। वैसे 12 बजने में ज्यादा टाइम है नहीं, एक बार इधर देख के आते हैं कोई गाड़ी है। मेरे को दिख तो रही है गाड़ी अच्छी, ये वाली यार नहीं, ये गाड़ी कुछ खास नहीं है। यहाँ ऑडी वगैरह भी मिलती है क्या यहाँ पे मार्केट? अरे लो ठोक दी और फिर से, मार्केट प्लेस में तो ऑडी वगैरह मिलती है जैसे, यहाँ मुझे डाउट है, मैंने यहाँ पर ऑडी वगैरह नहीं देखी अभी तक यार, ये भी कोई खास गाड़ी है नहीं। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग ऑफिस में पहुंच चुके हैं, मेरे को कोई खास गाड़ी वहाँ पे मिली नहीं, ठीक है एक ही गाड़ी मिली थी। उसके बाद अभी हम लोग अब ऑफिस वगैरह क्लीन कर लेते हैं, आई होप कि यार ये जो बग आ रखा है ना हमारी ज़िंदगी में ये हट जाए क्योंकि ये बहुत टाइम से है और हट नहीं रहा।
ऑफिस इज डर्टी वाला। आप लोग अलग अलग कमेंट करो, किसी ने कमेंट किया था कि यहाँ पे जाओ और उसके बाद से आप जाओ डेकोरेशन में, यहाँ से क्लीन होगा, लेकिन यहाँ पे क्लीन होने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। यहाँ हम लोग चेंज वगैरह कलर करेंगे तो उसको जो पीछे का जो बेस है ना उसको कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ से कुछ करके फायदा होने वाला नहीं है। इन डिजाइन आउट डिजाइन कुछ नहीं है यहाँ पे। चलो ठीक है ठीक है, चलो अब चल रहे हम लोग। एक गाड़ी जो मैंने बाई करी थी उसको, पोर्श बाई की थी मैंने आई थिंक, हाँ पोर्श बाई की थी। चलो ठीक है, पोर्श बाई करी थी और वहाँ पे थोड़ा सा कूड़ा कचरा है, वो हम लोग उठाएंगे, लेकिन पहले हम लोग इसको रिपेयर करने लगा लेते हैं। इसकी ज़्यादा हालत ख़राब तो नहीं, $680 यहाँ पे खर्च हो रहे हैं। उसके बाद अपग्रेड वगैरह करेंगे, ट्यून वगैरह करेंगे और उसके बाद हम लोग उसको सेल करने लगा लेंगे। यहाँ पे पता नहीं अपडेट के बाद हुआ या फिर क्या हुआ, बट मेरे को यहाँ पे ना वो वाली गाड़ी मिल नहीं थी जो यहाँ पे गाड़ी आप लोग वो करते हैं हथौड़े से तोड़ते हैं, मुझे जो सामान मिल रहा। लेकिन इस पता क्या हो रहा है, देखो कितने का बिकेगा, $120। तो मेरा दिन भर का बीड़ी सिगरेट का खर्चा निकल जा रहा है, सुरती तंबाकू सारा चल जा रहा है इसमें, तो सही हो रहा है ना। लेकिन बस यही कि यार मुझे लग रहा है ना कि पहले तो यहाँ पे थी, होती थी गाड़ियाँ, तभी तो हथौड़ा है यहाँ पर, हथौड़े का क्या काम है वरना। लेकिन अब पता क्या हुआ, इस बंदे को, ये बंदा था आलसी, इसको किसी ने दिखा दी संदीप महेश्वरी वाली वीडियोस मोटिवेशनल वाली, मुझे ऐसा लग रहा है। उसके बाद से इसके अंदर आ गई थोड़ी सी आग, तो ये खुद ही फोड़ ले रहा है, लेकिन वही है कि पार्ट्स ज़्यादा उठा नहीं रहा, कुछ कुछ मिलने बच जा रही। तो मेरे को तो यही लग रहा है, आप लोग के पास कोई आइडिया हो तो बताना मेरे को कॉमेंट करके। फिलहाल हमारी गाड़ी क्या रिपेयर हो चुकी है, अभी हुई नहीं है वैसे, थोड़ा सा और टाइम लगने वाला है, तब तक हम लोग गाड़ी को क्लीन कर लेते हैं ताकि एक्सपी थोड़ा सा और गेन कर ले। क्योंकि आज ना मैं अपना जेट वेट या कुछ ना कुछ करेंगे हम लोग, एक्सपी मेरे पास 2 हो जाएगी ना, जिसमें ज़्यादा फायदा अपने को मिलेगा ना वो मैं ट्राई करूँगा। ठीक है, अभी 5 एक्सपी हमारे पास, 5 नहीं ज़्यादा ही मिलती है, 10 एक्सपी मुझे लगता है कि मिल जाती है एक बार में गाड़ी क्लीन करके पूरी, 4, 5, 6, 7, 10 तक मिल जाती होगी। चलो इसको ड्रॉप करते हैं, अंधेरा होने वाला है कितनी जल्दी, वो 12 बजने वाले, मेरे को ध्यान रखना, मैं भूल जाता हूँ यार ऑक्शन का। यही काम करते हैं हम लोग ना, इसी को लेके चल रहे हैं, इसी को लेके चल रहे हैं हम लोग पोर्श को लेके। ठीक है, ऑक्शन का रेट पता वहाँ देख के आते हैं गाड़ियाँ कौन कौन सी है पीछे से फट से, क्योंकि इंतजार नहीं करना पड़ेगा मेरे को, जो हैक है हम लोग थोड़ा सा उसका इस्तेमाल करके। ओके, तो अब जाके हम लोग यहाँ से गाड़ियाँ देखते हैं, ये गाड़ी कौन सी है यार, फरारी, ओह फरारी तो बाई करेंगे यार, फरारी में अच्छा खासा प्रॉफिट है और वहाँ से बाई करके तो हमको फ़ायदा। ये कौन सी गाड़ी है, GTR यार नहीं, पता नहीं कौन सी, मेरे को समझ नहीं आ रही गाड़ी, नहीं नहीं ये निसान GTR नहीं है, 40-50 हज़ार की रेंज में गाड़ी आती है वो है। और ये मैंने नहीं निसान GTR नहीं है, फिर भी एक बार मैं ऑक्शन में आऊँगा क्योंकि मेरे को बाई करनी है वो वाली गाड़ी। देखते कि फरारी मैंने यहाँ से शायद अभी तक नहीं ली है, तो हम लोग देखेंगे कितना प्रॉफिट होता है फरारी लेके यहाँ से। इसको फिलहाल मैं लगा देता हूँ, मैंने अपग्रेड वगैरह किया, अरे अपग्रेड वगैरह नहीं किया यार इसको, थोड़ा बहुत हमको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाता है जब हम गाड़ी अपग्रेड वगैरह करते हैं, व्हील्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है और बाकी सब कुछ सही है। चलो पेंट भी वैसे ऑलरेडी उसका सही था पेंट है ना, तो हम ये कलर कर लेते हैं, बहुत सही लग रहा है। चलिए मस्त हो चुकी है, लास्ट वाली जो पिछले वाला एपिसोड था उसमें पोर्श को बेचना मुश्किल हो गया था, बट शायद आप लोगों ने कमेंट किया था कि यार मैं ना उस चीज़ पर थोड़ा ध्यान कम दे रहा था कि वो अभी ठुक गई थी कि ना कोई गाड़ी कितनी किलोमीटर चली हुई है, तो मैं ध्यान तो दे रहा था बट मेरा जो फोकस होता है मेन यही होता है कि रेट कितना है, डैमेज कितना है गाड़ी में और कौन सा मॉडल है, कौन से सन का मॉडल है। तो अब जाके मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा यार कि अगर कोई गाड़ी वो है, बट मैंने एक चीज़ तो नोटिस करी थी, जो मैंने पोर्श यहाँ से पोर्श था आई थिंक कौन सी गाड़ी थी, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था जो वो था कि कितनी चली हुई है गाड़ी, लेकिन तब भी वो महंगी बिक रही थी। तो ठीक है, हमको ऑक्शन से अगर फ़ायदा होता तो ऑक्शन से गाड़ी ले लेंगे। फिलहाल इसको फोटो वगैरह खींचते, पुरानी कुछ फोटोज़ डिलीट कर लेते हैं, मैंने ये भी बेची थी एक, मैंने गाड़ी ये वाली भी बेची थी, तो इसको हम लोग खींचते हैं मस्त करके फोटो और अब हम इसको लगा देते हैं सेल करने के लिए। आई होप कि जल्दी बिक जाए क्योंकि हमको प्रॉफिट करना है, 5 मिलियन पहुंचने की कोशिश करेंगे आज, अगर पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है। 2.75 से 3 तक बेच सकता हूं, मैंने वैसे 3 तक बेची हुई है, तो मैं इसको 3 ही बेचता हूं। ठीक है, 3 लाख अगर नहीं बिकेगी तो कम कर लेंगे। ऑक्शन 2 बज गए, अरे ऑक्शन 12 बजे से स्टार्ट था, अब यार मैं क्यों मिस कर देता हूँ रोज चीज़ें यार, देखो यही होता है, टाइम का पता नहीं चलता क्योंकि हर 1 घंटा 1 मिनट होता है यहाँ पे। अरे यार फरारी तो ले ली उन लोगों ने यार, सारी की सारी गाड़ियां बिक चुकी है, नहीं मेरे को लग रहा फरारी इसके बाद आएगी, आई थिंक ले रहा हूँ टिकट ले रहा हूँ मैं, फरारी इसके बाद आएगी। देखो ये गाड़ी है, ये गाड़ी इसके बाद फरारी आने वाली है, हम लोग बहुत ही सही टाइम पर आए हैं, फरारी F430 हम लोग यहाँ से बाई करने वाले हैं। A few moments later. Okay guys, तो हमारी वाली गाड़ी आ चुकी है फरारी F430 जो कि एकदम नए उसमें है, 2008 का मॉडल है, 5745 किलोमीटर चली हुई है, तो अगर इससे फर्क पड़ता होगा तो ये गाड़ी बहुत अच्छी है, लेने लायक है, तो हम लोग इसको लेने वाले हैं। अब यार इनके सबके हाथ काट दूं, मन कर रहा है, उठा क्यों रहे जबरदस्ती, लेना मेरे को ये आखिरी में, मत उठाओ यार मत उठाओ, मेरे को लेनी है वो गाड़ी। अबे यार ये लोग रेट हाई करेंगे, 3,13,000 पहुँचा दिए, 3,17,000, अबे
कितने की मिलेगी यार? 350 तक मिल जाएगी। मिल गई 322,420 डॉलर के हमको ये वाली गाड़ी मिल चुकी है। ऑक्शन खत्म हो चुका है और हमको एक्सपी मिली है 10। तो हमारे पास अभी थोड़ी सी एक्सपी चाहिए, उसके बाद मैं कौन सा लेवल उसको अनलॉक करूँ। हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में ये किया था, जिसके बाद कस्टमर के थोड़े कम एंग्री होने, यानी कि हमारे पास एक और चांस है। मैं सोच रहा हूँ कि ये कर लूँ या फिर इनसे भी कुछ खास, हमको टाइम बचेगा हमारा, बस इसमें भी टाइम बचेगा, इसमें भी टाइम बचेगा, इसमें हमको थोड़ा सस्ता पड़ सकता है। देखो गाड़ी में आप फ्यूल डलाओ या उसको क्लीन करो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? ये चीज़ है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग को लग रहा होगा ना कि यार मैं क्लीन क्यों नहीं कर रहा हूँ, मेरे को ज़्यादा ऑफर मिल जाता, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी हम लोग इसको गाड़ी को चेक करके आते हैं कि क्या हालचाल है इसका, मतलब थोड़ा पेंट तो देखेंगे, बट पेंट मेरे को सही लग रहा है, हम लोग और काम करा सकते हैं, ट्यूनिंग वगैरह कर लेते हैं इसमें थोड़ा बहुत। मेरे को लग रहा है इसमें रेसिंग किट ऑलरेडी है पहले से, नहीं रेसिंग किट नहीं है। ओके, तो सस्पेंशन वगैरह एकदम परफेक्ट है, लाइट्स एकदम परफेक्ट है, ये भी थोड़ा मैला हो रहा है, इसको अपडेट कर लेते हैं। व्हील्स यार ख़राब लग रही है मेरे को थोड़ी, मैं ना ये ओ $3,000 की है यार, ये डाल लूँ क्या? $750 की अच्छी लग रही ना, थोड़ा वो ट्रक वाला सा लुक आ रहा है, बट ठीक लग रहा है हमको। अभी इसको लेके चलते हैं सीधा पेंट शॉप में और पेंट करा लेते हैं हम इसमें कोई बढ़िया वाला। पेंट की ज़रूरत नहीं थी वैसे, ये वाला कलर भी अच्छा लग रहा है, बट हम लोग थोड़ा सा जाएंगे इसमें कलर, ये वाला कर लेते हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। यार फरारी ना बहुत अच्छी दिखती है, यहाँ पे जो लैम्बोर्गिनी है वो उसका लुक उतना अच्छा नहीं है। पोर्श जो भी यहाँ पे जो पुराना मॉडल आई थिंक है उसकी वजह से उसका लुक उतना अच्छा नहीं है। लैम्बोर्गिनी का भी पुराना नहीं, फरारी का लैम्बोर्गिनी पुराना मॉडल है बहुत, हाँ फरारी लेकिन बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे। थोड़ा ना दूर खड़ी करता हूँ वरना जो कस्टमर आते हैं कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। गाड़ी के टायर देखो थोड़ा पुरानी वाली गाड़ियों जैसे, जो कौन सी गाड़ी में होते हैं थोड़ा पुराने मॉडल की गाड़ियों में होता है ऐसा वाला रिम जो मैंने लगा रखा है, बट ठीक लग रहा है। अभी थोड़ी सी एक्सपी कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में इस वाली को तो मैंने सेल पर लगा दिया ना, वो कस्टमर कैसे आएंगे यार, ये तो बंद है हमारा ऑफिस। इसको भी मैं फटाफट लगाने वाला हूँ, बस क्लीन कर लूँ आगे से, थोड़ा सा चमका देता हूँ मस्त करके, ऐसे ऐसे करके, और ये लो। चलो अपने कस्टमर को खुश करने के लिए इसमें फ्यूल भी मैं डला देता हूँ अभी, ठीक है, ताकि हमारा जो कस्टमर है वो खुश हो जाए इसको देख के। इसमें हम लोग डलाते हैं फ्यूल, डलाते हैं स्टेटस इसका एकदम ये है देखो। अब जाके इसके एक फ़ोटो लेते हैं, पहले वो पुरानी वाली फ़ोटो डिलीट कर लेता हूँ, अब जाके एक फ़ोटो ले लेते हैं यहाँ से ऐसे करके। और इसको एक कस्टमर आ चुकी है, इसको हम लोग लगा देते हैं सेल पर, देखते हैं कि क्या हमको रेट मिलेगा इसका, कितना मिल सकता है। 322,000 की खरीदी, 485,000 से 5,20,000 की ट्राई करता हूँ। मैंने लास्ट 5,20,000 की शायद बेची है, तो 5,25 का ट्राई करता हूँ एक बार, ठीक है, देखते हैं कि कम कर सकते हैं, बस मैं रेट वैसे थोड़ा हाई रख रहा हूँ। अब जाके इनसे डील करते हैं कि ये कस्टमर हमारे कैसे आ रहे हैं, क्या हमको ऑफर देंगे। पोर्श का 2,34,000 यार बहुत कम दे रहा है, हाँ इसको देखते हैं, चली बहुत ज़्यादा है शायद इस चक्कर में, तो हम लोग बेच देंगे इसको 2,27,000। नहीं यार चलो थोड़ा और कस्टमर के आने का इंतजार कर लेते हैं, एक और कस्टमर आ रही है, अगर फरारी की आ रही होगी। यार देखो फरारी ना बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, मतलब ज़्यादा चली भी नहीं हुई है सब कुछ है, तो देखते हैं कि वो फरारी का क्या ऑफर हमको मिलता है। फिलहाल यहाँ पर 2,12,000, नहीं यार मुझे लग रहा है कि इसके हमको ना ज़्यादा नहीं मिलेंगे शायद, बट थोड़े बहुत कस्टमर देख लेते हैं, अगर लगेगा कि ज़्यादा नहीं मिल रहे तो हम लोग पोर्श को निकाल देंगे, 2,70 तक निकाल देंगे इसको। ओके गाइस, तो एक कस्टमर यहाँ पर आ रखा है, मैं इसको 3,00,000 बोला हुआ है, मैं एक बार इसको 2,03,00,000 में तो नहीं ले रहा, तो 2,00,000 में इसको ना एक बार 95,000 करता हूँ ऑफर देता हूँ, ठीक है, अगर नहीं लेगा तो थोड़ा बढ़ा दूंगा। 2,95,000 नहीं यार, 2,98,000, क्योंकि ना चांस कम लग रहे हैं, लास्ट टाइम पे बहुत परेशान हुए थे हम लोग। 2,95,000 नहीं, 98 पे नहीं हुआ ना, 2,97,000, 2,97,000 पे तो बिक जानी चाहिए आई थिंक। ओके, तो 2,97,000 में बिक गई, ज़्यादा टाइम लगा नहीं। फरारी के कस्टमर्स आ चुके हैं यहाँ पर पहली बार, देखते हैं कि क्या हमको ऑफर दे रहे हैं ये लोग। 5,25,000 का मेरा ऑफर है और ये लोग मेरे को दे रहे हैं 3,62,000 का, जो कि मेरे को कम लग रहा है, एक बार दूसरे से बंदे से देख लेते हैं। अभी मेरे को आइडिया नहीं लग रहा है कि कितना ऑफर देंगे मेरे को ऊपर तक, तो 4,00,000, ओह एक सेकेंड, इसने कितना दिया था, 3,62,000, 4,00,000 का दे रहा, तो 5 क्या देगा मेरे को, 5,00,000 में भी मैं बेचने को तैयार हूँ। हमको डबल डबल तो नहीं मिल रहा यार, हम लोगों ने महंगी बाई करी है गाड़ी, 5,15 तक मैं आ जाऊंगा अगर ये लेगा तो, 5,20,000 सीधा, क्योंकि हम लोगों ने ना महंगी बाई करी है, तो मुझे लगता है कि यार नहीं, थोड़ा सा कस्टमर का ना वेट कर लेते हैं, और कोई अच्छे कस्टमर आ जाएंगे। वैसे आ रही है, नहीं नहीं अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने 3,00,000 की खरीदी है गाड़ी, 3,20,000 के अराउंड की, तो थोड़ा सा तो महंगी बेचेंगे यार इसको हम लोग। ओ ऑक्शन भी तो स्टार्ट है ना अभी, एक सेकेंड, अपनी गाड़ी लेके चल रहे हम लोग, एक बार चेक करके आते हैं कि वहाँ पर कौन सी गाड़ी आ रखी है, क्योंकि हमको तो ऑक्शन रोज चेक करना पड़ेगा। अभी मैं बस थोड़ा सा गाड़ियों की डील कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर हम लोग अगर सुपर कार मिलेंगी तभी हम लोग सेल करेंगे, वरना हम लोग
सीधा स्किप करते रहेंगे और ऑक्शन वाले पार्ट दिन का देखेंगे हम लोग कि क्या हो रहा है। ठीक है, इसको अभी लगाते हैं, अब ट्राई करते हैं। ये नहीं है गाड़ी अपने मतलब की, पोर्श नहीं, टेस्ला आई थिंक है, पता नहीं कौन सी। नहीं, ओ ये कौन सी है, ये कौन सी गाड़ी? नहीं यार ये पुरानी कोई गाड़ी है ना, पुरानी गाड़ी है कोई। अबे यार आज का दिन भी बेकार गया, ऑक्शन में कुछ नहीं मिल रहा। पता नहीं यार हम लोग ले भी पाएंगे उस रेयर कार को, पता नहीं। मैंने ठान तो लिया कि मैं लूँगा, अब होगा क्या पता नहीं। फिलहाल कस्टमर्स आ रखे हैं, उनको देखते हैं। तो 429,000 का ऑफर दे रही, मेरे को लग रहा है कि सही है। 429,000 से 510,000 या 505,000, 510,000 का ऑफर एक बार ट्राई करते हैं। अगर नहीं मानी तो मैं थोड़ा कम कर दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ले लेगी। ओके 510,000 नहीं, 505,000, तो 500,000 करते हैं क्या? 500,000 1-2,000 चलो। एक सेकंड, एक कस्टमर आ रखा, फट से देख लो कि कितना ऑफर दे रहा है। 429,000 का दिया था इसमें, और ये कितना हमको दे रहा है? 438,000 का दे रहा है। तो ये मेरे को लगता है कि 510,000 में ले सकता है, चांस लग रहा है मेरे को कि लेगा ये बंदा, आई थिंक। ओके ले लिया, मेरे को लगता है कि 515,000 तक भी वो दे सकता था। तो वही है कि यार हमको ना कितना ऑफर दिया था इसने, 438,000 का दिया था ना, हाँ 438,000 का ऑफर दिया था। तो 500,000 मतलब 100,000 का बार्गेन कर पाए हम लोग इससे। 3 days later तो वापस हम लोग चल रहे हैं, आज ऑक्शन ओपन है तो एक बार चेक करके आते हैं कि कौन कौन सी गाड़ियाँ यहाँ पर आने वाली है, और अगर कोई अच्छी गाड़ी आती तो हम लोग वो भी खरीदेंगे। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ से फरारी ली थी, तो इसको अभी लगाते हैं ऐसे करके, और अब चेक करते हैं। ये वाली गाड़ी तो नहीं है, इसका ये भी नहीं है। यार बहुत ही मुश्किल है क्या ये, कौन मस्टैंग है ना आई थिंक। ओ ये कौन सी है, ओ ये नहीं यार ये कौन सी गाड़ी है, मेरे को देखा याद आ रहा है, मैं भूल क्यों रहा हूँ। ये गाड़ी ये वो है यार, ऑडी R8, मुझे लगा ये है वो, ये नहीं है। और ये कौन सी है, थोड़ा पीछे चलते हैं। ये तो मुझे मस्टैंग लग रही है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। चलो ठीक है, कितना टाइम हो रहा है अभी, 11 बजे है ना, 10 बज रहे हैं, चलो वेट कर लेते हैं, क्योंकि दुकान में वैसे भी कुछ है नहीं, डीलरशिप में हमारे पास एक भी गाड़ी नहीं है, और मार्केट आज बंद है, मार्केट में अच्छी गाड़ी मिली नहीं रही। तो यहीं से हम लोग एक दो गाड़ियां लेते हैं, क्योंकि देखो प्रॉफिट तो अपने को करना है ही ना, तो क्यों ना यहीं पर यहीं से कर लिया जाए। चलो तब तक कोई समोसा, चाय समोसा नहीं है क्या यार, इनके पास कुछ है नहीं, जूस हॉट ड्रिंक कहाँ पे, कब लाएंगे, कब लाओगे, खुद ही खा रहा है मुझे लग रहा है समोसे। ओके तो ऑडी R8 आ रही है यहाँ पे आज, पता नहीं यहाँ से ना हम लोगों ने फरारी F430 उठाई, जो कि पहली बार यहाँ से ली हम लोगों ने। और ये देखो इसका रेट देखो आप, ये मैंने कितने तक की खरीदी है, मेरे को 527,000 की मैंने खरीदी हुई है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर हमको सस्ती मिल रही है। 2020 मॉडल है ना, मैंने 2021 मॉडल खरीदा है, लेकिन ये तो हाँ यार ऑटोमेटिक मैनुअल का पता नहीं, और चली कम है तो ये मैनुअल है, तो हो सकता है कि सस्ती में मिल जाए। अरे नहीं करंट भी चल, 450,000 की हमको मिली। ये कौन सी है, अरे टोयोटा सुप्रा है, सुप्रा का हमको स्पीड टेस्ट करना था, 2023 मॉडल है, 5,000 किलोमीटर चली हुई है, मैनुअल है, तो ये गाड़ी भी लेना बनता है। यहीं से आज हम लोग अच्छी खासी डील करने वाले हैं, 5 मिलियन पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे पता नहीं, बट कोशिश अपनी रहेगी कि यार अपने को यार ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो है कि हमको निसान GTR ढूंढनी है। पता नहीं कितना ऑप्शन देखने पड़ेंगे हमको। मिल गई क्या मेरे को, ओके मिल गई, सुप्रा भी हम लोगों ने बाय कर लिया। और ये कौन सा है, ये कौन सी गाड़ी है यार, ये कौन सी गाड़ी है, पहली बार देख रहा हूँ, ऑटोमेटिक है कितने का, अरे ये तो सस्ती गाड़ी है ना, इसको छोड़ो खरीद लेते हैं, हमको XP तो मिलेगी ना इससे शायद। सारी गाड़ियाँ खरीद रहा हूँ मैं यहाँ पर जितनी भी मिल रही मेरे को। यार नहीं यार कुछ ज़्यादा ही सस्ती है, मन नहीं कर रहा है, खरीद ली मेरे को लग रहा है मैंने, मेरे सर पड़ गई ये गाड़ी। ओके तो यहाँ पे ये वाली गाड़ी तो खैर कुछ खास नहीं है यार, वो है वैसे सही है, इसको भी ले लेते हैं, प्रॉफिट तो कमाएंगे ना, हमको प्रॉफिट भी कमाना है, क्योंकि और कुछ तरीका है नहीं अपने पास अभी टाइम पास करने का। हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास एटलीस्ट $1 million रहें, क्योंकि ऐसा ना हो कि यार मेरे को यहाँ पर निसान GTR दिख रही है और मेरे पास पैसे ना हो, मतलब मैं पागल हो जाऊँगा। हमारे पास 2 skill point हो चुके हैं क्या? ओके तो अब हम लोग किस पर खर्च करते हैं, मुझे लगता है कि ये इस पर खर्च कर लेते हैं। चलिए फाइनली हमारे पास ये आ चुकी है गन, जिससे हम लोग इनको धोएंगे अभी सारी गाड़ियों को। पहले एक सेकंड ये क्या हुआ, सारी गाड़ियों को धोते हैं हम लोग यहाँ पे, क्लीन करते हैं, उससे काफ़ी फास्ट है और ज़्यादा इजी भी हो रहा है, बस पानी ज़्यादा ख़त्म ना हो, पानी का बिल ना बना दें बहुत 1-2 lakh का। क्लीन हुई क्या सारी गाड़ी, कहीं पर तो बच रही मुझे लग रहा है, हो गई क्लीन आई थिंक, हाँ चलो इसको क्लीन करते हैं। Meanwhile, ओके तो सारी गाड़ियाँ हो चुकी हैं क्लीन, और ये वाली गाड़ी तो बहुत सस्ती थी ना, कितने की खरीदी, $1800 की खरीदी है, तो इसको हम लोग फटाफट ना टो करते हैं एक, और मैंने एक और टो वाला बाई करा हुआ है। ये वाली गाड़ी कितने की है, सुप्रा, इसका हमको स्पीड टेस्ट वगैरह करना है, इसको तो अच्छे से ट्यून करना होगा, पहले एक बार चेक कर लेते हैं, डैमेज है तो इसको रिपेयर के लिए डाल देते हैं। और ये वाली गाड़ी देखते हैं इसका हालचाल, इसको भी रिपेयर तो नहीं, अभी रिपेयर नहीं करानी, इसको अपग्रेड वगैरह हम लोग कराएंगे, और इसको भी डाल देते हैं। ये कितने की गाड़ी थी वैसे, ये भी अच्छी खासी है,
प्रॉफिट मिल सकता है। चलो सारी गाड़ियां कर लिए, अब अपनी गाड़ी लेके हम लोग यहां से निकल लेते हैं। आज तो मैंने सारी गाड़ियां बाय कर ली यहां से यार। सारी गाड़ी अच्छी थी, उसमें दो महंगी गाड़ियां थी और एक थोड़ी सस्ती थी, और एक तो बहुत ही सस्ती थी। इसको चलाने में अलग ही मजा आता है यार। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसको क्यों चला रहा हूँ, इतनी रेयर गाड़ी, लेकिन मजा तभी तो आ रहा है, रेयर गाड़ी है। रेयर गाड़ी चलाने में मजा ही तो आ रहा है। अभी फटाफट से कूड़ा कचरा हटाते हैं यहाँ से। इतना कूड़ा तो मैं करता भी नहीं हूँ यार, कल तो मेरा ऑफिस ज़्यादा देर के लिए खुला भी नहीं। मुझे लग रहा है मेरे सामने वाले कर रहे हैं कि घपला कुछ यहाँ पे। ओके तो पहले इसको अपग्रेड करते हैं। रेसिंग किट डाल रहा हूँ इसमें और एनवेस वगैरह डाल दिया। सस्पेंशन वगैरह थोड़ा सा उठा लेते हैं ऊपर, आई थिंक सही लग रहा है अपडेट। लाइट्स वगैरह परफेक्ट हैं और ये थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। व्हील्स, ओके तो व्हील्स वगैरह लगाने की जरूरत है भी इसमें मेरे को यार नहीं है। ये 1500 वाले डला लूँ, 1500 के वाले डला लेता हूँ, अच्छे लग रहे, चमक रहे, उसी से मतलब है, हमको चमकने चाहिए बस, गंदे नहीं दिखे। The next day. Alright guys, तो नया दिन हो चुका है, आज कार मार्केट प्लेस ओपन है, तो देखते हैं कि क्या होता है वहाँ पे, एक बार चेक करके आते हैं फटाफट से। अगर कोई गाड़ी होती है तो ले लेंगे, वरना फिर मैं रेस करूंगा और उसके बाद से हम लोग गाड़ियाँ लगाएंगे, उनको सेल करेंगे, फिर जाके हम लोग सो जाएंगे। यहाँ पे एक मेरे को गाड़ी कोई, ओ ऑडी R8 कितनी दिख रही मुझे यार, ये कौन सी है, नहीं ये तो नहीं है, ये है ऑडी R8। इसका रेट देखते हैं कि इतना है। डैमेज काफ़ी लग रही है, 2020 मॉडल है, बहुत ज़्यादा चली हुई है, ऑटोमेटिक है, तो प्राइस इसको मिल को मिल रहा है 4,86,000 का। तो हम लोग बार्गेन करके ट्राई करते हैं एक बार इसको लेने का, 3,85,000 का। आई होप कि मेरे को दे दे यार, नहीं ओके 3,85,000, 3,88,89,000 या 3,90,000 कर लो, 3,89,000 कर रहे हैं। ओके अरे यार नहीं, 3,89,000 भी नहीं मिल रही, 3,90,000 कर रहा हूँ सीधे मैं, ठीक है 3,90,000 का ऑफर कर रखा है। मेरे को लगता है कि यार इससे ज़्यादा तो नहीं मिलने चाहिए इस गाड़ी के। ओके हो चुका है। तो ये गाड़ी कितना डैमेज है, ज़्यादा डैमेज नहीं है, तो हम लोग इसको डाल देते हैं। रिपेयर तो करानी है ना वैसे भी। कन्वर्टिबल कार है यहाँ पे एक, फियात आबाद है। ओके ये गाड़ी भी अच्छी चल जाती है यार, मैनुअल है, 2,11,000 की दे रहा है, तो हम लोग इससे, अरे यार बार्गेन क्यों नहीं कर सकता इससे मैं, ये क्या चक्कर हुआ यार इससे, तो अभी मैं फिर तो लेके फ़ायदा नहीं है ना, बार्गेन नहीं कर सकता तो मैं, अभी तो मैं आया हूँ जस्ट यार, बार्गेन नहीं कर सकता उससे। और तो यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं। चलो गाइज अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, मैं उस वाली गाड़ी को रिपेयर करने देता हूँ, वहाँ से अपनी सुप्रा उठाता हूँ और हम लोग चलेंगे सीधा रेस करने के लिए, ठीक है। मतलब हम लोग स्पीड टेस्ट करेंगे, उसकी टॉप स्पीड चेक करते हैं। ये वाली गाड़ी मेरे को लिस्ट भी करनी है आज, आके करेंगे, पहले ये वाला काम कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि यार फरारी से तेज है, तो मेरे को चेक करना है कि क्या ये फरारी से एक्चुअल में तेज है, क्योंकि अभी तक की सबसे टॉप जो स्पीड कार है वो फरारी है। इसको रिपेयर करने दे दिया, अब जाके हमारी सुप्रा मेरे को दिखने की अच्छी लग रही। कलर थोड़ा वियर्ड सा लग रहा है, मतलब ऐसा कलर थोड़ा अजीब, रेयर गाड़ियों में ही होता है, तो रेयर ही है अभी भी। चल रहे हैं अभी इसको लेके सीधा, अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखते हैं कि कितना इसकी टॉप स्पीड है। हम लोग 0 to 100 वो तो यार चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं कि टॉप स्पीड कितना जाती है। फिलहाल हम लोग सीधा आगे बढ़ रहे हैं और वापस से एक बार एनवेस प्रेस करते हैं। दो, अरे यार मेरे को लग रहा है बहुत तेज होने वाली है, क्योंकि 225 पहुंच चुकी है अभी। अरे नहीं, ये तो बहुत ही गजब होने वाली है, मज़ा आएगा इसको चलाने में यार, मज़ा तो आ रहा है वैसे भी, लेकिन ये बहुत तेज है। मैंने इसको टेस्ट नहीं करा क्या अभी तक, नहीं करा होगा यार तभी, वरना हम तो बहुत तेज है। 300 तो पहुंच गई है, 330 के अराउंड शायद फरारी थी, और ये देखते हैं कि कितना पहुंचती है। ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 327, 32, 35, 40, ओ 344 पहुंची यार। क्या टॉप स्पीड चेक हो भी पाई या नहीं हो पाई। एक काम करते हैं, लाइट्स ऑफ करते हैं, इसको भी ऑफ करते हैं, इसको लेके चलते हैं, एक और बार ट्राई करते हैं। मुझे ऐसा लगा कि शायद 344 से ज़्यादा हो सकती है, चलो ट्राई करते हैं। नहीं, ये पता है फरारी के साथ भी यही हुआ था कि उसकी टॉप स्पीड चेक करने में दिक्कत आई थी, इसकी 344 पहुंची, उसके बाद से वही प्रॉब्लम आई कि मतलब ट्रैक लंबा नहीं था उतना। ओके तो ऑफिस अपना ओपन कर लेते हैं और थोड़ा सा गाड़ियों को मैं क्लीन कर रहा हूं फटाफट से, ताकि हमारे पास XP आ जाए, उसके बाद इनको मैं एक बार फट से ना सेल पर लगा देता हूँ, अभी उन्हें लगा ही नहीं है। A few moments later. कस्टमर्स आ चुके हैं, पहले सबसे सस्ती गाड़ी हम लोग सेल करते हैं, आज ही मैं सेल कर रहा हूँ, जितना प्रॉफिट होगा उसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑक्शन में जाएंगे। हाँ अगर कोई अच्छी गाड़ी मिल गई तो ट्राई कर लेंगे 2600। ओके तो 2800 ट्राई कर लेता हूँ, सस्ती गाड़ियों में ना डील करना भी नहीं आता मुझे। ओके ले ली, ठीक है दूसरी गाड़ी। एक बार फटाफट सबके रेट चेक करता हूँ कि कितना ऑफर दे रहे हैं मेरे को। 80,000 मैंने बोला हुआ है और ये मेरे को दे रहा है 69,000, तो 75 दे देगा क्या मेरे को, 78 दे देगा,
ओके 78 में बिक चुके हैं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। इनका देखते हैं यहाँ पर आने वाली दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे को अच्छा रेट मिले कम से कम मेरे को अबे नहीं, मेरे को लग रहा है इसके ज्यादा रेट देंगे नहीं मेरे को। 7,20,30,000 का ऑफर तो मेरे को चाहिए पहले, 7,16,000 का, तो क्या ये 8,40,000 का लेगा? 8,40,000 की मैं बेच रहा हूँ, मुझे पता है इससे ज्यादा रेट नहीं मिलेंगे। ओके 8,30,000 रेट एक्चुअली लगाओ बाय साहब। ओके 8,30,000 में बेच दी मैंने, क्योंकि बहुत मतलब चांस कम थे यार अच्छे रेट मिल जाते। एक बार इनके फटाफट रेट चेक करते हैं, क्योंकि कल सुबह अगर मैं सोऊंगा तो ये कस्टमर यहाँ से चले गए होंगे। 6,70,000, अबे दिमाग खराब हो रहा है, 6,70,000 का, 4 मिलियन तो पहुंच ही जाएंगे हम लोग मुझे लग रहा है इन गाड़ियों को बेच के। दे देखो कितने कितने कम रेट दे रहे हैं यार ये लोग। अब ये कितना देगा मेरे को? मैनुअल कार है लेकिन ठीक है यार, अच्छी अच्छी गाड़ी है। 7,50,000 ओ इसको उसको हम लोग कर सकते हैं, इसको मैं सीधे 8,55,000 का ऑफर दे रहा हूँ, ले लिया, क्योंकि बहुत ऑलरेडी उसने अच्छा ऑफर दे दिया था। बस सुप्रा बच रही है, सुप्रा का भी बिक जाए ना अच्छे में मजा आ जाएगा सही में, सारी गाड़ियां बिक जाएंगी और हम लोग फोकस करेंगे फिर उसके बाद से। 89,000 तो ले सकती है, 98,000 ओके। देखो अभी ना मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा था कि एकदम अच्छे रेट में बेचने का, बट मैंने थोड़ा सा कम रेट किया तो और सारी गाड़ियां बिक गई। हमारे पास हो चुके हैं अभी $42,00,000 अभी हम लोग चल रहे हैं सीधा। हाँ आप लोगों ने सजेस्ट किया था कि नेवर रूट जाओ और जो बस स्टेशन है उसके सामने वाला घर, सामने वाला मकान आपका ही है, तो मकान ही, यहाँ पर रहने वाला कोई है नहीं, मैं अकेला हूँ। अब देखो गर्लफ्रेंड आगे मिलती है, कुछ मिलियन डॉलर हो जाएंगे तो फिर जाके हम लोग साथ में रहा करेंगे, मतलब मैं उसको कंटेनर में सुला दूंगा, मैं यहाँ सो जाऊंगा। यू आर चालाक ब्रो, दिस इज बिजनेस। तो गाइस कार मार्केट प्लेस ओपन है, एक बार चेक करके आता हूँ, अगर कुछ अच्छी गाड़ियां होंगी तभी हम लोग जाएंगे वरना सो जाएंगे, क्योंकि ऑक्शन नहीं है आज। फियात अबात मेरे को मिल रही है जिसमें अच्छा ऑफर मिल सकता है, बट मैं थोड़ा ना अभी सिर्फ लग्जरी गाड़ियों का देख रहा हूँ। ओ लैम्बोर्गिनी मेरे को मिल रही है, लैम्बोर्गिनी हाँ, कितने की मिलेगी मेरे को ये? 5,85,000 की, तो हम लोग इसको कितना ट्राई करें यार, 5,85,000, 4,30,000 मेरे को लग रहा कम कर दिया मैं, 4,00,000 इसको 60,000 बोलता हूँ सीधे, है ना कुछ ज़्यादा कम कर दिया, नहीं ये भी नहीं, 4,70,000 सीधे 10,000 बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमको अभी प्रॉफिट करना हम लोग टाइम में। ओके मिल गई कार हमको, चलिए इसमें क्या है गड़बड़, कुछ नहीं है, चलो इसको सीधा लगा देते हैं, टो कर लेते हैं। और टेस्ला वैसला यार, टेस्ला लेने का मन तो नहीं कर रहा, टेस्ला में ज़्यादा प्रॉफिट है नहीं ना। एक्सपर्टीज़ वाला चक्कर क्या है, क्या मेरे को एक्सपर्टीज़ हायर करनी चाहिए? चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, ये फियात आबाद में हम लोग ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये गाड़ी हमको दिखा रहा है 22% डैमेज और 33% पेंटेड है, अब जाके हम लोग 20,000 की एक्सपर्टीज़ हायर करते हैं, देखते हैं कितना प्रॉफिट होगा, मुझे तो लग रहा है लॉस होगा। 20,000 के हम लोग एक्सपर्टीज़ हायर कर लेते हैं, आईडी इसको देनी है कुछ, ये देते हैं, अब चेक करते हैं, एक सेकेंड, ओ स्पेशल आईडी इसने दे रखी है मेरे को, अरे ओके चेक कर रहा है बंदा यहाँ पे, अब जाके देखते हैं कि क्या होने वाला है। ड्रैग द पेज टू स्किप द पेज, ओके ओके, तो डैमेज थोड़ा ज़्यादा था और बाकी तो सब कुछ उसने सही बता रखा है ना कस्टमर रिपोर्ट में, रिपोर्ट नॉट ओके। चलो अब देखते हैं कि बैक करके क्या होने वाला है, अप्रूव्ड कर लिए, अब जाके एक सेकंड मैं देख रहा हूँ कि क्या फ़ायदा हुआ हमको, हम लोगों ने कितना कितना 20,000-30,000 रुपये खर्च करे ना। ओके तो इसने मेरे को 2,00,000 का ऑफर दिया था, अब इसने मेरे को 1,81,000 का ऑफर दे दिया है, तो मैं इससे कम करा सकता हूँ ना, ठीक है, तो शायद हमको फ़ायदा हो सकता है। 1,45,000 मैंने ऑफर कर रखा है, ओके 1,45,000 नहीं मिल रही है तो 1,48,000 आई होप कि मेरे को मिल जाए, ओके मिल गई है, तो 1,48,000 की हमको एक गाड़ी बैठी है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बाद में देख के पता चलेगा कि क्या हुआ है, डैमेज है तो इसको सीधा रिपेयर सेंटर भेजते हैं। और यहाँ पर और कोई गाड़ी नहीं है उसके अलावा, तो गाइस यहाँ पर ऑक्शन आज इस ओपन होने वाला है, ट्राई करते हैं इस बार अपनी किस्मत चमकती है या नहीं चमकती। एकदम पीली मैंने गाड़ी कर लिया, इसमें पीला पेंट मैंने मार दिया है और क्लीन भी आई थिंक हो गई है पूरी अच्छे तरीके से, बस यहाँ पर थोड़ा बहुत बचा हुआ है। चलिए ये क्लीन हो चुके, इसको भी क्लीन करते हैं और इन दोनों गाड़ियों को मैंने सेल पर लगा दिया है, ठीक है, मैंने ताकि कस्टमर ज़्यादा हैं और गाड़ी हमारी जल्दी बिक जाए, इसमें मैंने ऑफर थोड़ा सा कम का रखा हुआ है, क्योंकि आज का हमारा फोकस प्रॉफिट पर ज़्यादा ना हो के हमारा जो फोकस है वो है वहाँ पे ऑक्शन पर देखने का। तो अभी ऑक्शन स्टार्ट भी, अरे हो चुका है यार, रहन दो, तुम रहन दो, मैं चल रहा हूँ सीधे वहाँ पर गाड़ियाँ देखने, अभी जल्दी स्टार्ट हो जा। लेट हो गया यार, मैं गाड़ी लिस्ट विस्ट करने के चक्कर में ना वहाँ पे लेट हो गया, मैं एक गाड़ी तो लग चुकी है वहाँ पे, अब फ़ायदा है भी यहाँ से देखने का यार। चलो टिकट लेके ही देख लेते हैं, अभी टिकट ही ले लेते हैं अभी फटाफट से, ये गाड़ी कौन सी है, नहीं या तो सस्ती गाड़ी है कोई, चलो अभी देख ही लेते हैं यार यहीं से,
वहां से देखने से अच्छा यहीं पर इंतजार कर लेते हैं। फरारी F430 भी हमको यहाँ पर मिल चुकी है, तो ये मैं बाई कर रहा हूँ। इसको देख के मेरे को ऐसा लगा जब ये अंदर से आ रही थी ना बाहर की निशान GTR है, बट यार ये नहीं थी, फरारी ने मूड खराब कर दिया। कितना टाइम लगेगा भी पता नहीं यार, कैसे वेट ही कर रहा हूँ बस। अबे खरीद रहने दो, अब कितना हाथ उठाओगे, हाथ दर्द नहीं कर रहा क्या? अबे रहने दो यार, मैं खरीद रहा हूँ इसको। ओके तो फाइनली हमको ये वाली गाड़ी मिल चुकी है, अब जाके देखते हैं। यार ये तो नहीं है, अब लास्ट गाड़ी देखते हैं कि कौन सी है। वैसे एक काम कर लूँ क्या, पीछे से देख लूँ। चलो टिकट ले लिए हम लोगों ने, टिकट लेने का फ़ायदा मिल गया, एक गाड़ी खरीद ली हम लोगों ने यहाँ से, जिससे हमको प्रॉफिट मिल सकता है। हम लोग 4 मिलियन पहुँच जाएंगे आराम से। ओके आखिरी गाड़ी है इस बार मैंने देख, अबे दिमाग खराब, तोबा, थारा मूड खराब कर लिया। मुझे लगा कि वो वाली गाड़ी होगी, तब तक अपनी गाड़ी धोते हैं क्योंकि बहुत गंदी हो रही है। देख रहे हो इसका कलर कितना चेंज हो चुका है, ब्लू कलर है इसका, ये देखो। चलो गाड़ी हो चुकी है क्लीन एकदम मस्त करके पहले की तरह, एक और डोर बच रहा है। ओके चलो अब जाके देखते हैं कि ये यहाँ से कब होगा ख़त्म। अबे जल्दी ख़त्म कर लो यार, अभी मुझे अपनी फरारी लेके चलना है यहाँ से। इसके बाद ना फटाफट मैं बस ये अभी जो आज मैं डील कर रहा हूँ यही कर रहा हूँ, इसके बाद मैं लगा रहा हूँ ऑफिस में ताला अपना। इन गाड़ियों को बेचने के बाद शायद हम लोग 5 मिलियन पहुँच सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि हम लोग 5 मिलियन पहुँच जाएंगे, क्योंकि 3 लाख की तो मैंने वो गाड़ी खरीदी है और अभी वहाँ पर मेरे पास एक दो महंगी गाड़ियाँ हैं। कितने की है गाड़ी? चलो खरीद ली है, डर से पहले ही खरीद ली इन लोगों ने। यहाँ पर दो कस्टमर आ रखे हैं, लैम्बोर्गिनी। अरे यार हमारे पास तो अच्छा खासा, मेरे को लग रहा है 5 मिलियन पहुँच सकते हैं हम लोग, जो कि आज का टारगेट था, टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा। और साथ साथ ये कस्टमर भाग रहे हैं यहाँ से। अबे रुक जाओ, कितना दे रहे हैं हमको? 1,48,000 का मैंने ऑफर कर रखा है, तो देखते हैं कि 2 लाख, ओ अच्छा खासा रेट दे रहा है मेरे को, तो मैं इसको 3,15,000 का ऑफर देता हूँ। ओके बिक चुकी है बहुत ही आराम से, फियात आबाद गाड़ी ऐसी है, बहुत अच्छे से बिक जाती है। 7,30,000 मैंने बोल रखा है, 6 लाख उनका उतना बोल रहे हैं, 7,25,000, 7,25,000, देखते हैं कि क्या ये बंदा। ओके बिक चुकी है दूसरी गाड़ी भी, ऐसे भी मज़ा आ रहा है। अभी इसको क्लीन करें क्या? ओ क्लीन करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत गंदी हो गई वहाँ से लाने में, पेंट करके फ़ायदा क्या हुआ, क्लीन गंदी इन्होंने और कर दी। मेरे को लग रहा है जूते पहन के ऊपर चढ़ गया मेरी गाड़ी के, है ना। Several bad puns later. हाँ यार मेरे को मिल जानी। ओ आज की बाहर कौन सी है रही? ये निशान GTR तो नहीं, कोई खरीदना ले नहीं यार, मैं गेम डिलीट कर दूंगा अगर ऐसा होगा। अरे नहीं कोई तो गाड़ी है, अबे मत खरीदो, रुक जो मारो मारो, ये कौन सी गाड़ी है? अबे अब दिमाग खराब, मस्टैंग है यार ये, मैंने कैसे नहीं पहचानी। ओके दूसरी गाड़ी आ रही है यार, ये तो सुप्रा है। अबे यार और कौन सी गाड़ी आती, और तो नहीं थी यहाँ पर कोई ऐसी गाड़ी। सुपरा 2023 मॉडल है, 5000 किलोमीटर चली हुई है, ऑटोमेटिक, अरे बहुत सही है, हम लोग लगाते हैं। ठीक है मैं सीधे 4000 की बिड लगा रहा हूँ। मिल चुकी है फियात आबाद, इसको भी हम लोग लेने वाले हैं, इससे भी हम लोग प्रॉफिट करेंगे। चलो ये वाली गाड़ी भी हमको मिल चुकी है, तो एक पर्टिकुलर उस पर जाके ये लोग ना रुक जाते हैं। अब इन दोनों गाड़ी को लेके चलते हैं यहाँ से, उसके बाद चलते हैं। आज का ऑक्शन भी बेकार ही गया यार, सुपरा मेरा दिमाग खराब हो गया, सुपरा थी वो और दूसरी वाली थी मस्टैंग। चलो इनको बेचते हैं आज, ये लास्ट है, अब नहीं बेचने वाला, 5 मिलियन हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिसेट करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसे तो यार हम लोग पता नहीं कितने घंटे की वीडियो बनेगी और मैं यही काम करते रह जाऊंगा, गाड़ियां बेचते सेल करते रह जाऊंगा, क्योंकि हमको निशान GTR चाहिए, उसके लिए अब ऐसे काम नहीं चलेगा। तो गाइस मैंने गाड़ियां यहां पर लगा दी हैं, एक बंदा आ रखा है फरारी के लिए, तो मेरे को ऑफर दे रहा है, मैं इसको 5 लाख बोल रहा हूँ सीधे, 5,30,000 बोला था मैं इसको, सीधा कम कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी बेच रहा हूँ इसको बस। ओके 5 लाख का ऑफर दे दिया मैंने और ये गाड़ी ओके बिक चुकी है। उसके बाद मैंने दो ये गाड़ी भी लगा रखी है जो हम लोग कल सुबह देखेंगे। कूड़ा देखो यहाँ पर कितना ज़्यादा हो जा रहा है, तो भाई मैं वापस उस दिन पर आ गया हूँ जिस दिन ऑक्शन ओपन है, तो हम लोग स्किप कर रहे हैं, यानी कि हम लोग सो जा रहे हैं। अब बस मुझे वेट करना है, वेट क्या करना है, कस्टमर तो आएंगे बाद में, मैं एक बार देख के आ रहा हूँ कि वहाँ पर कौन सी गाड़ियाँ लगी हुई है। ठीक है चलो अभी देखते हैं ये कौन सी है, आई थिंक ये मस्टैंग है, मस्टैंग लग रही मेरे को, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो मेरे को वही फियात आबाद है। वो कौन सी थी, मस्टैंग थी क्या वो? मस्टैंग थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रही मेरे को, मस्टैंग ही है वो, कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट मस्टैंग है वो, तो कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे आज भी, फिर भी एक बार कंफर्म करने के लिए आना पड़ेगा मुझे, लेकिन वही है मस्टैंग है वो। अब क्योंकि मैंने देख ही नहीं है, थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मैं मिस कर दूँ, बट नहीं मिस तो नहीं करूँगा। वैसे ऑफिस ओपन कर लेते हैं, इन दो गाड़ियों को सेल करते हैं ताकि हमारे 5 मिलियन हो जाएं, और उसके बाद हम लोग वही उसी पर फोकस करते हैं। अब गाड़ी वाड़ी ना ही मैं खरीदूंगा और ना ही लाऊंगा, सिर्फ फोकस करेंगे, वरना ऐसे नहीं मिलने वाली निशान GTR पे। ठीक है चलो इसको क्लीन करते हैं एक बार फटाफट से।
एक स्किल पॉइंट हमको और मिल चुका है, तो हम लोग कहाँ पर खर्च करेंगे? एक से तो कुछ होगा नहीं शायद, मेरे को लग रहा है, बट हम लोग एक किसी चीज पर तो खर्च कर ही देंगे एक। ओके स्किल पॉइंट देखते हैं हम लोग कहाँ पर खर्च कर सकते हैं। ये कितने में होगा? एक में हो रहा है। स्पीड इसकी ज्यादा है तो ये कर सकते हैं वैसे, ये पूरा हमने अनलॉक कर लिया वैसे ऑलरेडी है। एक सेकंड, ये कहाँ है मेरे पास? मेरे पास तो ये है ना, एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? अरे हो गया, अभी भी स्किल पॉइंट दिखा रहा है। दो है क्या मेरे पास स्किल पॉइंट? तो हमारे पास सिंगल वाला कौन सा था? एक यहाँ पर भी था ना सिंगल वाला। कार फ्यूल की तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही यार, अभी इसको रहने देते हैं, ये बस दिखाएगा बार बार ऐसा, वो चक्कर गलत है। ओके तो 3 लाख मैंने बोला हुआ है, 3,21,000, 3,15,000 तक मैं इसको सेल कर लूँगा आराम से। ट्राई करते हैं 3,15,000 का, 3,15,000। ओके आराम से बिक जाती है। अब जाके देखते हैं कि हमको इसके कितने मिलते हैं। सुपरा के 1,08,000 मैंने बोला हुआ है, बट मैं 1,00,000 में इसको सेल कर दूंगा। ओके 1,05,000 सॉरी। अरे यार इससे कम में नहीं, 1,00,000 से कम में तो नहीं बेचूंगा मैं। एक और कस्टमर आई हुई है। तो ऑक्शन स्टार्ट हो चुका है क्या? 11 बजे से, 1 बजे से ऑक्शन स्टार्ट है। ओके क्या मेरे को ऑफर दे रहे हैं? 88। ओके तो मैं इसको भी वही बोलने वाला हूँ, 99,000 एक बार कर रहा हूँ, ठीक है ट्राई करते हैं। नहीं 98। ओके 5 मिलियन हमारे पास हो चुके हैं, 5 मिलियन से ज्यादा ही हो चुके हैं। Few minutes later. तो गाइस मैं वापस से ऑक्शन में आ रखा हूँ, पता नहीं कितने ऑक्शन मैंने अटेंड कर लिए, लेकिन उसके बाद भी मुझे ना ही निसान GTR मिली और ना ही मुझे Mazda RX-7 मिली, वो दोनों रेयर है। और सोचो कितना रेयर है कि मुझे अभी तक दोबारा से Mazda RX-7 भी नहीं मिली है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना एक Ferrari F430 है जो मैं यहाँ से लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ यार उस वाली गाड़ी को मैंने रिपेयर कराया और अपनी जो Mazda RX-7 है उसको मैंने रख दिया, उसको मैं यूज़ नहीं करने वाला। फिलहाल हम लोग ये वाली गाड़ी यहाँ से खरीदने वाले हैं, तो देखते हैं कि कितने की मिलती है। इसको हम लोग यूज़ करेंगे फिलहाल के लिए पर्सनल व्हीकल के लिए, तो और हमको बहुत सारे और जो ऑप्शन है वो अटेंड करने पड़ेंगे। मतलब दिमाग खराब हो चुका है, लेकिन नहीं मिल रही, इतनी ज़्यादा रेयर गाड़ी है यार। फिलहाल इसको लेते हैं, उसके बाद घर चले जाएंगे सोने के लिए। मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, अगर ओके ऐसी फरारी वगैरह मेरे को मिल रही है तब मैं बाय कर रहा हूँ। Many hours later. ओके तो ऑक्शन आज भी ओपन होने वाला है, तो हम लोग चल रहे हैं सीधे वहाँ पे। ओके तो 2009 मॉडल है, 5,000 किलोमीटर चली हुई है, ऑटोमेटिक है, इसको हम लोग बिडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। इसको खरीद रहा हूँ, उसके अलावा आई थिंक और कोई गाड़ी नहीं है यहाँ पे जहाँ तक मुझे लग रहा है। ट्राई करते हैं एक दो ना बड़ी बिड लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि बड़ी बिड लगा के मुझे लगता है कि ये लोग रुक जाते हैं। फिर लो 13,000 की डाल रहा हूँ मैं, एक और लगा रहा हूँ, अभी रुक जाएंगे मुझे लग रहा है पक्का। अभी नहीं लगा दी, एक और मैं लगा रहा हूँ, कोई बात नहीं हमको खरीदनी है फरारी यहाँ से। ये लो और लगा दी मैंने एक और, इसका तो मेरे को कलर भी बहुत पसंद आ रहा है, फरारी बहुत प्यारी लगती है यार गाड़ी दिखने में। अब एक बंद कर लो बस अब। ओके अब बाकी गाड़ियाँ तो यहाँ पर काम की नहीं, तो मुझे ना वेट करना पड़ेगा। एक फरारी मेरे को यहाँ पर भी मिल रही है तो मैं ले रहा हूँ, क्योंकि फरारी है तो यार अच्छा खासा हमको इसमें फ़ायदा मिल जाता है। 2,50,000 में इसको दे रहा हूँ, देखते हैं कि क्या ये इतने में मानती है। ठीक है ट्राई करके देखते हैं। ओके 2,50,000 नहीं 2,55,000। ओके 2,55,000 का ऑफर दे रखा है मैंने। ओके 2,58,000, 2,58,000 में तो आई थिंक दे देना चाहिए। ओके ठीक है कोई बात नहीं, 2,59,000 1,000 और बढ़ा देते हैं। वैसे ही मुझे पता है कि नहीं, ओह मिल गई, अरे वाह मिल गई। तो गाड़ी का एक बार हालचाल देखते हैं कि क्या है, क्योंकि निसान GTR नहीं मिलेगी, सबको मिला के एक निसान GTR तो बनी जाएगी। फिलहाल यहाँ पर और कोई गाड़ी नहीं, तो बीच बीच में आके बस चेक कर ले रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई अच्छी डील मिल रही है, अच्छी गाड़ी मिल रही है, तो यार क्यों ना लिया जाए, है ना। ओके गाइस तो ये वाली गाड़ी भी मैंने बिल्कुल तैयार कर ली है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको मैं अभी फिलहाल के लिए यूज़ कर अपने पर्सनल यूज़ के लिए रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे इधर उधर से वहाँ तक जाना है और आज का ऑक्शन देख लेता हूँ। थोड़ा सा बियर पी लेते हैं और इसको रख देते हैं वापस। थोड़ा थोड़ा रोज पी रहा हूँ तो ख़त्म नहीं हो रही है। तो सारी गाड़ियाँ मैंने धो रखी हैं यहाँ पर, 2 हमारे पास Lamborghini है और 2 हमारे पास एक ही वाली गाड़ी है, ये तो खैर अपनी पर्सनल है, इसको सेल नहीं कर सकते। अभी 2 बज रहे हैं, थोड़ी देर में ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोग चल ही रहे हैं। सुप्रा भी ले लेते हैं कोई बात नहीं, अब पता चल चुका है सुप्रा के हेडलाइट्स मेरे को ध्यान से देखनी है, और उसके बाद मस्टैंग का मेरे को तब भी पता, सुप्रा में कंफ्यूज हो रहा था मैं। ओके तो ऑक्शन हो चुका है खत्म, और एक बार गाड़ी का हाल देख लेते हैं, रिपेयर कराने की जरूरत तो नहीं है, तो इसको अभी फिलहाल मैं टो करा रहा हूँ, और अब हम लेके चल रहे हैं ये वाली गाड़ी को अपनी फरारी को। ठीक है चलिए ये वाली गाड़ी हो चुकी है, अब हम इसको तो अभी चलो सो जाते हैं, कल शायद ऑक्शन हो या ना हो, अगर होगा तो कल आ जाएंगे, नहीं तो फिर जब ऑक्शन होगा तब मिलते हैं।
यार कब मिलेगी गाड़ी। One shift later. तो गाइस हम लोग अभी ऑक्शन में आ रखे हैं और यहाँ पर ना एक ऐसी कार है जो मैं मेरे लिए बहुत रेयर है, ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास है Mazda RX-7, तो वो यहाँ पे GTR तो नहीं है, GTR कब होगी पता नहीं, बट हाँ फिलहाल हमारे पास ये गाड़ी है और ये भी बहुत रेयर है, तो इसको हम लोग बाय करने वाले हैं। वो तो पता नहीं कब मिलेगी, अभी बहुत ट्राई करने पड़ेंगे, एटलीस्ट इससे थोड़ी सी उम्मीदें बढ़ रही कि यार हाँ ये मिल सकती दोबारा, तो वो एक बार तो मिल ही सकती ना, तो हम इसके ना ये लगाते हैं फटाफट से बिड, क्योंकि ये भी रेयर गाड़ी है, मेरे पास दो हो जाएंगी लेकिन हाँ इतना ट्राई करने के बाद अब जाके मुझे ये मिली है दूसरी बार, तो सोचो वो कितनी रेयर होगी यार, वो अभी तक नहीं मिली है, पता नहीं कितने दिन हो गए मेरे को याद भी नहीं है, इतने सारे मैंने वो अटेम्प्ट कर लिए यहाँ पे अटेंड कर लिए, इतने सारे यहाँ पे जो भी ऑक्शन चल रहे हैं, लेकिन नहीं वो गाड़ी दिख ही नहीं रही है मेरे को। ओके तो कितना हमको रेट मिल रहा है, 4,78,000 हो चुका है, हो 4,78,000 में ये गाड़ी हमारी हो चुकी है, उसके अलावा तो यहाँ पे शायद कोई गाड़ी नहीं है आई थिंक हमारे लिए, तो अभी वेट करते हैं उसके बाद हम लोग ये वाली गाड़ी को लेके चलेंगे। और ना मैंने एक चीज़ नोटिस की कि इसमें देखो जो वाली गाड़ी मैंने खरीद रखी क्योंकि वो रेयर है, तो उसमें देखो अभी भी वहाँ पर लाइट जली हुई है और वहाँ पर वो सब चीज़ें उड़ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि और गाड़ियों के साथ ये होता है, तो ये कुछ अलग ही लग रहा है। अब मेरे को उस वाली गाड़ी को भी ऐसे ही देखना है, वो भी सिमिलर इसका जैसे लुक है उसका थोड़ा बहुत। ओके गाइस तो हमारी गाड़ी हमको मिल चुकी है, एक बार इसका स्टेटस वगैरह चेक करते हैं। 1996 का मॉडल है, 5,316 किलोमीटर चली हुई है, मैनुअल है, ठीक है वो वाली देखता हूँ, वो भी मैनुअल है, वैसे कितनी चली हुई है और कब की है ये मुझे नहीं पता, तो इसको लेके फिलहाल चल रहे हैं। हमारे पास दो बहुत ही ज्यादा रेयर गाड़ियां हो चुकी है, Mazda RX-7 तो एक ये है हमारी और एक अंदर है, उसको भी मैं देखता हूँ, उसको भी अंदर लेके चलता हूँ। देखो कूड़ा देखो यहाँ पाप, मैं मतलब सो के परेशान हो चुका हूँ, इतना सो रहा हूँ लेकिन तब भी नहीं हो रहा है। 2 hours later. तो गाइस अभी डे चल रहा है 241-120 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, अभी यहाँ पर ना कूड़े का ढेर लगा पड़ा हुआ है, आज भी एक ऑक्शन है बट फिलहाल मेरे को पहले थोड़ा बहुत ये क्लीन करना है और उसके बाद हम लोग ऑक्शन को देखने जाने वाले, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा ढेर लग गया है, मुझे ये डर लग रहा है कि यार कभी ना मेरा गेम क्रैश वगैरह ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ढेर लगा पड़ा है। कार वार गंदी है उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो कचरा इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है ना, ये देखो मैं तो मुझे लगा था कि यार एक बार पहले क्या हुआ था ना, क्लीन हो गया था अपने आप ही गायब हो गया था, लेकिन अब रिसेट सा नहीं हो रहा है, ये वैसे के इकट्ठा इकट्ठा होते जा रहा है। और देखो नीचे देखो आप कितने सारे यहाँ पर कैन पड़ी हुई है, ये भी एक अलग ही चीज़ है, इसका भी अगर कोई अचीवमेंट मिलने वाला होता ना तो हमको मिल जाता, क्योंकि जितनी देर से हम लोग ग्राइंड कर रहे हैं सिर्फ वो गाड़ी ढूंढने के लिए। मैं आपको एक सरप्राइजिंग चीज़ दिखाता हूँ भैया, आप लोग देखना, ठीक है, मैं बहुत देर से उसको मैंने बचा के रखा था बट फिर मैंने खर्च कर दिए, जो कि है मेरे जो लेवल से, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, एक्सपी हमारी इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी गाड़ियों को धो के, तो ये देखो हमको मैंने ये वाला अनलॉक किया अपना, पहले हम लोगों ने ये वाला अनलॉक किया था, उसके बाद मैंने ये वाला अनलॉक किया और उसके बाद ये वाला, जिससे हम अपनी जो गाड़ियाँ हैं उनको ट्यून कर सकते हैं थोड़े कम दाम में, ठीक है, तो यही सब गाड़ियों को धो धो के सब हाल हो रहा है। ओके गाइस तो एक काम हो चुका है, अब दूसरा काम मुझे करना है और वो ये करना है कि जो मैं ना अभी तक यहाँ पे सुप्रा चला रहा था, तो कई बार क्या हो रहा था कि जल्दबाजी के चक्कर में कि मैं उसको ऐसे ही छोड़ दे रहा था, इग्नोर कर रहा था, मैं वैसे ही बहुत परेशान हो रहा था बार बार ये सब करके, तो थोड़ा ना उसको रिपेयर करना बन रहा है अभी, मतलब रिपेयर करने की जरूरत पड़ रही है, वैसे वो रिपेयर करने लायक थी नहीं बट इतनी मैंने ठोक दी ना उसको, तो अब रिपेयर कर लेते हैं। और हमारे पास यहाँ पर एक और फरारी है, इसको भी मैं अंदर लगाने वाला हूँ, इसमें भी वैसे मैंने कुछ कर नहीं रखा, तो एक काम करते हैं इसमें ना ट्यूनिंग करके लेके आते हैं जल्दी से, क्योंकि बाकी सारी गाड़ियाँ ट्यून्ड हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसको भी ट्यून करो, हमारे पास अभी थोड़ा सा टाइम तो है, तो जल्दी से ट्यून और रिपेयर कर लेते हैं ये वाली फरारी को। उसके बाद हमारे पास आज इस चक्कर में मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ ले ली है, मतलब इतनी गाड़ियाँ कभी मैंने ली नहीं इससे पहले, इतनी सारी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, और इनको जब बेचेंगे ना बहुत प्रॉफिट होने वाला है। फिलहाल इसके जो रिम्स वगैरह लगे हुए ऑलरेडी मेरे को पसंद आ रहे हैं, तो हम लोग इसको लेके चलते हैं यहाँ से पीछे और इधर से पेंट करा के लेके आते हैं, ठीक है जल्दी जल्दी पेंट करा लेते हैं क्योंकि बहुत कम टाइम बच रहा है अभी, अब मेरे को वहाँ पे क्लीन भी करनी है सारी गाड़ियाँ। ओके गाइस तो सारी गाड़ियाँ यहाँ पे मैंने लगा ली हैं, क्लीन करने का टाइम तो नहीं मिला क्योंकि हमको जाना है ऑक्शन में और वहाँ पे टिकट लेने, क्योंकि वहाँ पे हमारे लिए एक सरप्राइज हो सकता है जिसके लिए हम लोग इतनी देर से तैयारी कर रहे थे, वो शायद हमको फाइनली मिलने वाला है। कन्फर्मेशन थोड़ी सी कम है क्योंकि उससे अभी मैंने पहले उससे पहले कभी देखा नहीं उसे, बट मुझे जितना बाकी गाड़ियों के बारे में पता है उनमें से तो वो नहीं है। तो पहली गाड़ी हमारी आती है, इसका भी हम लोग आने देते हैं इसको, ठीक है। तो इतना ज़्यादा जो ग्राइंड किया है ना 241 दिन 120 दिन से, यानी कि 120 दिन तक हम लोग लगातार ग्राइंड करते रहे ऑक्शन में, वेट किया अपनी गाड़ियों का ताकि मैं उनको खरीद सकूँ, उनको मैंने पूरा ट्यून वगैरह करके रखा हुआ है, क्लीन वगैरह मैं कर रहा था तभी हमारी इतनी एक्सपी बढ़ी है, और ये सब कुछ हो रहा था इस वाली गाड़ी के लिए जो अब सेकेंड नंबर पर आई थिंक आने वाली है, जो होगी हमारी निसान GT-R। इतनी महंगी गाड़ी, इतनी रेयर गाड़ी, महंगी तो मुझे नहीं पता कि कितने की होने वाली है बट बहुत ही ज़्यादा रेयर गाड़ी है, सच में बहुत रेयर है। मेरे को दो मेरे पास RX-7 हो चुकी है Mazda और ये हमारे पास एक हो चुकी है।
इसके बाद यहाँ आने वाली है। ओके तो नहीं ये नहीं है, ये नहीं है वो गाड़ी, ये वो गाड़ी नहीं है। ओके गाइस तो फाइनली वो वाली गाड़ी आने वाली। ओह मैं एक सेकंड के लिए मुझे ये लगा था कि वो ये वो गाड़ी नहीं है, अभी हमारा पोपट हो जाता सही में। तो फाइनली निसान GT-R यहाँ पर हमको आ चुकी है। मैं बिट लगाना भूल रहा हूँ, मेरे को बिट लगानी है। ये पता है उसकी तरह लग रही है, मस्टैंग की तरह थोड़ी बहुत। मैं एक बार पर दिमाग खराब हो गया था, मेरे कहा नहीं ये दोबारा मस्टैंग नहीं चाहिए मेरे को। लेकिन हाँ ये वही गाड़ी है। फटाफट से बिट लगाते हैं, फोकस करते हैं बिट पे। फाइनली गाइज हमारे पास हो चुकी है निसान GT-R, जिसके लिए हम लोग 140 दिन से, क्योंकि 100 दिन से हम लोगों ने अपने गेम की स्टार्ट करी थी, लेकिन उसके बाद 120 दिन से लगातार हम लोग यही काम कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने बाकी काम किए थे, लेकिन उसके बाद से लगातार सिर्फ और सिर्फ मैं ऑक्शन से अटेंड करते जा रहा था। और फाइनली 120 दिन लगे मेरे को इस काम करने में यार, टोटल 140 दिन लगे। बहुत ही मुश्किल थे। फिलहाल इसके खत्म होने का वेट करते हैं, और मुझे तो लगता है कि कल सुबह आना चाहिए मुझे इसको लेने के लिए। अभी फिलहाल इसको कंप्लीट होने देते हैं, वरना पता चला गायब हो गई यहाँ से गाड़ी। The next morning. तो गाइस नेक्स्ट डे हो चुका है, और अब फाइनली 10 बजे सुबह के मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी को लेने। मैंने पहले से वहाँ की जितनी गाड़ियाँ रखी है ना, बहुत गंदी हो रही थी, उनको धोया मैंने, ताकि इनके सामने उनकी इज्जत खराब ना हो यार उस गाड़ी की। और अभी मैंने इसको ना ही चलाया ना ही कुछ कराया, तो सबसे पहले इसको क्लीन करते हैं, ठीक है। इसकी हालत थोड़ी सी खराब है, आगे से अगर आप लोग देखो तो ये पूरा बोनट खराब हो रखा है इसका, बट कोई बात नहीं यार। देखो ये गाड़ी इतनी ज़्यादा रेयर थी ना, हमको किसी भी कंडीशन में मिलती तो हम इसको लेते ही लेते, ठीक है। ये गाड़ी देखो यार कितनी अलग लग रही है ना, मतलब कितना सही लग रहा है देखने में इसको। फिलहाल इसको क्लीन करते हैं, थोड़ी सी बची हुई है आई थिंक। ओके कहीं पर तो बच रही है, कहीं पर बच रही है थोड़ी सी। ओके और बची थोड़ी सी यार, कहाँ पर बच रही है। हाँ अब जाके क्लीन हुई। तो एक काम करते हैं, आज भी ना ऑक्शन है यहाँ पे, तो एक काम करते हैं हम लोग पहले गाड़ी में बैठते। एक सेकेंड, इसमें गाड़ी में बैठने का यहाँ से है क्या, ये यहीं से होता है सब में। इसको चला के मेरे को देखना, अभी मैं सिर्फ पीछे जा रहा हूँ। वैसे तो गाड़ियाँ लगनी स्टार्ट हो चुकी होंगी, बट हम लोग ना ऑक्शन में जा रहे हैं अभी, यहाँ से देख के आ रहे हैं। ऐसा ना हो कि एक और हमको मिल जाए, नहीं। ओके तो एक गाड़ी वहाँ पर आ चुकी है। अरे कहाँ जा रही नहीं पोर्श। ओके तो सबसे पहले गाड़ी का मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ। ये देखो कितना लग्जीरियस लग रहा है यार ये, और इसके साउंड सुनो आप, ये देखो यार सही में बहुत रेयर गाड़ी है, दिखने की कितनी कूल सी लग रही है मेरे को। इसका साउंड बहुत अलग है, मैं इसको एक बार ना रिपेयर कराता हूँ, ठीक है। कौन सा मॉडल है मैंने कुछ नहीं देखा, अभी हम लोग वहीं पर चल के देखेंगे। रिपेयर कराते हैं इसको, इसमें मस्त इसको ट्यूनिंग वगैरह करते हैं, उसके बाद इसकी रेस हम लोग कराने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं रिपेयर के लिए देने वाला हूँ, और हाँ अभी रिपेयर की ना स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा तेज हो जाएगी, क्योंकि मैंने अब कुछ अपने अनलॉक्स करे हुए। एक बार हम लोग ना गाड़ी देखते हैं। तो ये 2018 मॉडल है, 5008 किलोमीटर चली हुई है, मैनुअल है, 5,37,000 की हमको पड़ी हुई है। तो थोड़ा सा इसको रिपेयर कराना है, पेंट वेंट कराना है। सबसे पहले तो हम लोग रिपेयर के लिए देते हैं इसको। अरे इसमें ये देखो यार कुछ अलग है इसमें, एक सेकंड में देखने वाला हूँ। अभी इसमें राइट साइड से बैठने वाला है। अभी ना जल्दी से रिपेयर करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लग रहा है रिपेयर होने में। 99% नहीं अभी होगा, ज़्यादा वैसे रिपेयर की ज़रूरत थी नहीं इसमें, लग रहा है यार टाइम तो लगी रहा है फिर भी थोड़ा बहुत। तब तक ना थोड़ा सा ट्रैश कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, और उसके बाद अभी मैं आज कोई भी गाड़ी नहीं बेच रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर से हम लोग इस काम में लगे हुए हैं। इन गाड़ियों को हम लोग बेचेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और मतलब अपनी जो रेयर कार है उनको नहीं। इसकी साउंड देखो कितनी बाहर तक आ रही है, इसकी साउंड रिपेयर हो चुकी है। अरे देखो थोड़ा बहुत इसका लुक मस्टैंग की तरह आ रहा है, आगे से बोनट देखने में थोड़ा सा लग रहा था। जब ये आई ना अंदर से बाहर को, मुझे लगा कि यार नहीं स्कैम हो गया, ये वापस से मस्टैंग है। ओके तो सबसे पहले इसमें हम लोग डालते हैं रेसिंग किट, ऐड कर लेते हैं सस्पेंशन वगैरह ऑलरेडी। बल्कि मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा कम करना चाहिए, इसका तो बहुत ऊपर है सस्पेंशन वगैरह, एकदम कम कर लेता हूँ। हाँ बहुत गैप है इसमें तो यार, अपडेट कर लेते हैं। लाइट्स वगैरह ऑलरेडी मेरे को बहुत सही लग रही हैं, तो थोड़ा नहीं यार लाइट्स रहन देते हैं। नंबर प्लेट इसमें तो पक्का मेरा नाम जाएगा। ओके नंबर प्लेट अपडेट कर ली, अब जाके हम लोग लगाने वाले हैं। इसमें सबसे ज़्यादा महंगे कौन से व्हील लग रहे हैं, ये भी ये 2400 के हैं, ये 2400 के हैं, ये हमारे 4000 के हैं, जो कि कुछ खास मुझे नहीं लग रहे। ये हमारे 2800 के हैं। ओके और नहीं है क्या महंगे, ये हमारे 2400 के हैं, ऊपर एक बार देख लेते हैं 1200, 4000 के हैं ये वाले। यार ये तो बहुत अजीब लग रहा है, कौन सा लगाना चाहिए यार, ये लगा देना चाहिए या फिर ये, मुझे पता नहीं ये क्यों बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखो
ये वाला कलर अजीब लग रहा है। हम लोग ना यही 2400 वाले करने वाले हैं, क्योंकि मुझे वही पसंद आ रहा है, तो सब कुछ इसमें कर लिया। अरे नहीं यार, इसमें यहाँ से बैठना है, इस गाड़ी की आदत नहीं हो रही क्या हमको? मेरे को इसकी टॉप स्पीड चेक करनी है गाइस। वहाँ पर होमलेस बंदा भी देख रहा, दो चार रुपये उसको भी देता हूँ अभी, मतलब डॉलर पता नहीं कितने देता हूँ, बट मैं उसको देने वाला हूँ। बट फिलहाल हम लोग इसमें कोई बढ़िया, अरे वाह यार ये वाइट में कितनी प्यारी लग रही है गाड़ी यार, ये तो वाइट में बहुत अच्छी लग रही है गाड़ी। थोड़ा सा अगर हम लोग इसको ये वाला कलर करें यार, ये तो बहुत सही लग, इसमें तो हर कलर जबरदस्त लग रहा है इसमें यार। मैं एक बार बाकी कलर्स भी देख लेता हूँ। ओके पॉलिश मैं इसको कर रहा हूँ थोड़ा सा, और इसके साथ भी ना वही वाला कुछ चक्कर है। देखो जो 3D मॉडलिंग वाला किसी ने कमेंट किया था ना, देखो इसका आधा रेड है आधा ब्लैक है, इसका ट्रांसपेरेंट है मतलब। तो इसको हम लोग देखते हैं, पहले इसको हम लोग पे कर लेते हैं थोड़ा सा। और अब देखो ये गाड़ी कुछ अनोखी है, आज तक मैंने कोई ऐसी गाड़ी इस गेम में नहीं देखी है जिसमें आपको बैठने के लिए ना, देखो ड्राइविंग सीट राइट साइड में है, सब में लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे एक सेकंड, हाँ सब में लेफ्ट साइड में है, सब में ही लेफ्ट साइड में, इसमें भी लेफ्ट साइड में, आई थिंक लेफ्ट साइड में, लेकिन उसमें राइट साइड में है, इसमें राइट साइड में है। ओके तो यहाँ से हम लोग बैठेंगे इसमें, अब इसको लेके चल रहे हैं हम लोग रेस ट्रैक पे, क्योंकि रेसिंग करनी है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चला के देखते हैं, और मैं इसको क्लीन तो ऑलरेडी आई थिंक मैंने करा हुआ था, क्लीन करने की जरूरत नहीं है, फ्यूल वगैरह हम लोग डला देते हैं। आग बरस रही है गाड़ी तो यार, भाई साहब क्या गाड़ी है यार, इसके लिए तो इतना टाइम वेस्ट करना बनता है। फ्यूल करते हैं इसमें पूरा ऐड, और साउंड सुनो पूरा मोहल्ला गूंजने लगा है यार इसकी साउंड से। अब उधर साइड से मेरे को बैठना पड़ेगा। चलिए इसकी टॉप स्पीड चेक करते हैं और देखते हैं कि कितना जा सकते हैं। अगर नहीं भी जाए ना तो ये गाड़ी कुछ अलग है यार, ये गाड़ी भली टॉप स्पीड इसकी अच्छी ना हो बट फिर भी ये गाड़ी बहुत अलग है, दिखने की ही कितनी प्यारी लग रही है। इसमें कलर भी सारे अच्छे लग रहे हैं, गिराना नहीं है, आराम से ओके ओके। इंजन बंद करने का मन भी नहीं कर रहा है। तो हम लोग चलते हैं फॉरेस्ट में, वहाँ पर रेस टेस्ट करने वाले हैं। ओके गाइस हम लोग निकल रहे हैं रेसिंग करने के लिए, और इसकी टॉप स्पीड चेक कर 3.4 सेकंड में हम लोग 100 पे पहुंच चुके हैं। अरे बाप रे स्पीड, अरे 300 पहुंच गए, ये तो अभी जस्ट अभी स्टार्ट किया हुआ है। गाड़ी को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, जबकि इसमें रेसिंग किट डाला हुआ है। अरे बाप रे, नहीं 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 नहीं, अभी मैं चला पाऊंगा इसको? नहीं नहीं नहीं, मैंने ठोक दी गाड़ी यार, मेरे को थोड़ा ना अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा इसको। 350 पहुंच चुके हैं, मुझे लग रहा है कि 350 मैक्स है, आई थिंक 350 मैक्स है क्या यार? नहीं 350 मैक्स है इसकी, लेकिन 350 पहुंचने में इसको कुछ भी टाइम नहीं लगा, और हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसमें ड्रिफ्ट किट डाला हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। तो वापस से हम लोग ट्राई करते हैं, देखो 100 कितनी देर में पहुंच रही है, और उसके बाद ये देखो 200 पहुंच चुकी है। जिस हिसाब से 300 पहुंची थी, मुझे तो लगा ये गाड़ी जाएगी 500 तक, लेकिन नहीं गई यार, 350 मैक्स स्पीड है इसकी। देखो कितनी जल्दी जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि सुपर फास्ट तो है ये, टक्कर तो सबको दे सकती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जल्दी 350 पहुंच रही है, जो कि आधे ट्रैक में पहुंच चुकी है। इसका काम हो चुका है ख़त्म, अभी ट्रैक बहुत लंबा है, बहुत लंबा ट्रैक। और देखो हैंडल करने में थोड़ा सा मुश्किल लगा था मेरे को पहली बार, हो रहा है थोड़ा मुश्किल तो हो रहा है इसको हैंडल करना, लेकिन वापस देखो 350 पहुंच जाएगी। अरे यार कितनी सही गाड़ी है। बैक टू टाउन करते हैं, 3.4 सेकंड में 100 पहुंच चुकी है। तो गाइस सारी गाड़ियां मैंने यहां पे लगा दी है, इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाना है मुझे। ओके आई थिंक मैंने लगा दिया सही जगह पे। ओके तो अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये हमारी आज की गाड़ियां हैं जो हम लोगों ने बाय करी है सिर्फ इस चक्कर में, क्योंकि हम लोग काम कर रहे थे इस गाड़ी के लिए। मैं आपको दिखाता हूं पहले, यहां से ना थोड़ा कूड़ा अगर मैं उठा पाया, नहीं मैं उठा नहीं पाऊंगा। तो हमारे पास अभी यहाँ पर 3 फरारी हैं, 2 लैम्बोर्गिनी है, और हमारे पास यहाँ पर एक सुप्रा है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर माजडा RX-7 है 2। ये देखो ये भी बहुत रेयर गाड़ियाँ हैं, बट मुझे लगता है कि शायद उससे ज़्यादा रेयर ये इसलिए है क्योंकि पहली बात तो देखो ये दोनों ना दोनों के चांस मिलने के बराबर है, लेकिन इसका लुक आप देखो एक बार, इसका लुक देखो, आपको देख रहा कुछ गड़बड़ लग रही है ना यार, कि थोड़ा सिंपल सी लग रही है गाड़ी आगे से देखो। अगर ये देखो यहाँ पे टल्ला सा दिख रहा है, लेकिन ये वाली गाड़ी की साउंड अलग है, अंदर का इंटीरियर इतना प्यारा है, और गाड़ी में बैठने का भी यहाँ साइड से पूरा मतलब कितना सही लग रहा है इसको देख के। ये देखो आप गाड़ी को पीछे से देखो, सही से देखो, और साउंड देखो, सब कुछ एकदम परफेक्ट है यार। मतलब हमारे पास 3 रेयर गाड़ियाँ हो चुकी है, एक और मिल जाए ये नया मॉडल तो मज़ा आ जाएगा सही में। फिलहाल आज के लिए अभी हमको लगता है कि यार यहीं पर एपिसोड खत्म करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग हो गई है। अगर आपको एक ग्राइंडिंग पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं, बहुत सारे लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करना। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए